आप शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा जी। हाँ, हमारे पंजाबी व्यूवर्स पूरा साल वेट करते हैं एक सुपर डुपर हिट मूवी की, जो आने वाले टाइम पे सबका स्ट्रेस दूर करे, स्ट्रेस बस्टर हो। और आज जिस रिनॉन्ड पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत इंडियन टेलीविज़न में वो काम कर चुके हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वो काफ़ी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी माने जाते हैं, मिसेस नीलू कोहली। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे और इस बार जानते हैं कि वो किस मूवी में धमाका मचाने आने वाले हैं। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाबी। कैसे आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ इनफैक्ट। वेरी गुड मैम, इतना पॉजिटिव रिप्लाई। तो सबसे पहले मैम, हम चाहते हैं कि एक इंडियन टेलीविज़न में तो हमने बताया कि आप काफ़ी काम कर चुके हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे? मैं अपना इंट्रोडक्शन एज एन एक्टर देना चाहूँगी। आजकल स्टार्स तो बहुत होते हैं, पर एज एन एक्टर अगर किसी को एक इंट्रोडक्शन मिल जाए तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टार बनना बड़ा आसान है, एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मेंशन भी कर दीजिए, इंडियन टेलीविज़न में आप काम कर चुके हैं, बहुत सुपर डुपर हिट भी रहे हैं वो, उसके बारे में भी मेंशन कर दीजिए प्लीज़। हाँ, टीवी में तो अब काफ़ी काम कर लिया है और थैंकफुली काफ़ी चांसेस मिले, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए, भाभी किया, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा किया, नामकरण किया, शास्त्री सिस्टर्स किया, बहुत, अब तो मैंने गिनने भी छोड़ दिए हैं, इतने कर लिए हैं। और पर एक एक्टर की जो भूख होती है ना, टू डू समथिंग बेटर, टू बेटर योर सेल्फ, तो जब लगा कि अब टीवी आपको वो नया कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं कर रही जो आपने पहले नहीं किया, तो लगा चलो अगर यही प्लेटफॉर्म, अगर यही चीज़ हम किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करें तो शायद अपनी क्रिएटिविटी अलग हिसाब से निकल के आएगी। तो फिर मैंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ किया। लेकिन ऑनेस्टली एक बात कहूँ, जिसने टीवी में इतना काम किया हो, वहाँ स्टार्स के बीच मुझे लगा कहीं मैं गुम हो गई हूँ। वहाँ एक एक सीन के लिए तरसना पड़ता है कि हाय कहीं आपका डायलॉग ना कट हो जाए, कहीं आपका सीन ना कट हो जाए। अब नेचुरली जिस फिल्म में अक्षय कुमार होगा, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन होंगे, मल्टी स्टार कास्ट होंगे, उसमें नीलू कोहली को अपना, सबसे पहले तो ऑफकोर्स मैं ये कहूँगी कि अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब लोग अक्षय कुमार को देखेंगे, नीलू कोहली को देखेंगे, नेचुरली सीन तो मेरे ही कटेंगे। तो वो अपने आप को ये बात जज्ब करने में बहुत टाइम लगा, और फिर लगा कि ट्राई करते रहना चाहिए, थोड़ी एक एक करके बंदा एक स्टेप फर्दर बढ़ता है। एंड देन एक शुरू से एक ये था कि अपनी माँ बोली के लिए कुछ करने का बड़ा दिल था। बड़े साल पहले मैंने एक फिल्म की थी सत श्री अकाल, जो कि एक कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ये एक ट्रस्ट की फिल्म थी, माता तृप्ता कौर ट्रस्ट की फिल्म थी, ये रिलीजियस फिल्म थी। तो कभी एक बॉलीवुड का जिसको कहते हैं ना, एक कमर्शियल बॉलीवुड जिसको कहते हैं, उसमें मैंने कदम नहीं रखा था। और क्योंकि मैं टीवी में इतना बिजी थी, जब भी कोई ऑफ़र आता था मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन ये शायद जब मैंने अपने आप को ये सोच के कहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तो मैंने टीवी से अपना कदम जब बाहर निकाला, तो नव जी का जब मुझे फ़ोन आया, तो मुझे लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं सकता डेब्यू करने के लिए पंजाबी इंडस्ट्री में, और वो भी हार्ड कोर कॉमेडी कमर्शियल पंजाबी सिनेमा। मुझे लगता है मुझे इससे बेटर डेब्यू नहीं मिल सकता था। जितनी ऑनेस्टली आपने अपने बारे में बताया ऑन स्क्रीन, हमने इससे पहले कभी नहीं सुना इतने ऑनेस्ट आंसर देते हुए किसी को। तो मैम, अब चलिए बात करते हैं आपकी मूवी के बारे में, किटी पार्टी। पर्सनली सबसे पहले आप ये बता दीजिए, आपने खुद कितनी किटी पार्टीज डाली हुई हैं? ऑनेस्टली हैं, किटी पार्टीज़ हैं मेरी, वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनसे हम बिछड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो कमर्शियल किटी पार्टी नहीं है, उसका नाम ज़रूर किटी पार्टी होगा, पर ये हम 34 सालों से एक साथ हैं, तो
इसीलिए हमने वो मेरी एक वो है Just for togetherness. Togetherness, हाँ हाँ तो मैम चलिए फोकस कर दीजिए इस मूवी के बारे में. हमने सुन तो लिया है कि आप इस मूवी में कबाब में हड्डी बने हैं. आप क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में? बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है सुनने में. बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बड़ा ही तीखा कैरेक्टर है, बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है. और हस्बैंड वाइफ को मिलने नहीं देना, प्लस ये सोचना भी कि मेरे को दादी बना दो, नानी बना दो. अब नानी कहाँ से बनेंगे? वो कहते ना हूँ बच्चा कितों ले आइए अमेजोन तू. तो ये है कैरेक्टर. हर जगह बेटी को अपने साथ रखती है, जवाई को कुछ समझती नहीं, और थोड़ी सी इसकी भी आदत है उनको. तो ये मतलब इतना फन लविंग कैरेक्टर, मुझे बड़ा मज़ा आया. ये मूवी कुछ मैसेज लेके आएगी, बिकॉज आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है लेडीज़ के ऊपर सोशल इस चीज़ को लेकर कि किटी पार्टीज ज्वाइन करनी है, और एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किटी पार्टीज़. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मैसेज लेके आएगी ये मूवी? हम ये नहीं क्लेम करते कि ये एक मैसेज वाली फिल्म है, पर इस फिल्म में छोटे 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 बहुत सारे मैसेज हैं. एक तो सबसे पहले कि बिना सोचे समझे आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट मत कीजिए. दूसरा ये कि बिना सोचे समझे अपना पैसा किसी के हवाले मत कीजिए. और तीसरा ये कि यहाँ इन बॉलीवुड, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन वुमेन ये पहली फिल्म होगी. तो इट इज़ आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट, सोशल एंटरटेनमेंट, एंड यू विल लव, मतलब ये आप इंजॉय करोगे इस फिल्म को पूरी. जिन्हों कहते हैं ना पैसा वसूल, तुसी जदों बाहर निकलोगे ना तो ये नहीं लगेगा कि भाई असी किथे आ गए. तो प्लीज़ मेरी आप सबसे अर्ज है, ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा. 13 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है आपके नियरेस्ट सिनेमा हॉल में, देखिएगा ज़रूर. थैंक यू सो मच मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ एक्ट्रेस मिसेस नीलू कोहली जी, जिन्होंने हमसे शेयर किया कि उनकी आने वाली ब्लॉकबस्टर में उनका किस टाइप का करेक्टर है. होपफुली आप मिस नहीं करना चाहेंगे इस करेक्टर को कबाब में हड्डी. तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वंडरफुल मूवी रिलीजिंग ऑन 13th of December. थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा परसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी. We'll be right back.